बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं आपके सामने अल्लाहु यानी जो खुदा ताला का जाती नाम है उसके चंद फजाइल और फवायद बयान करूंगा। वीडियो पर पहली मरतबा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसके दिल से तमाम शुकूक और शुभात दूर हो जाएंगे और अज़्म और यकीन की कुव्वत उसको नसीब होगी। इसी तरह जो शख्स लाइलाज मरीज हो, उसके मर्ज से डॉक्टर आजिज आ गए हों, अतिब्बा आजिज आ गए हों, तो वो बकसरत या अल्लाह का विर्द रखे और उसके बाद शिफा की दुआ मांगे तो उसको शिफा नसीब होगी, बशर्ते के मौत का वक़्त ना आ गया हो। इसी तरह जुमा के दिन नमाज जुमा से पहले पाक और साफ होकर खलवत में पढ़ने से मकसद आसान हो जाता है, खा कैसा ही मकसद क्यों ना हो। इसी तरह हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने वाला साहेब बातिन और साहेब कशफ हो जाता है। 66 बार लिख कर धोकर मरीज को पिलाने वाला अल्लाह ताला उसको शिफा नसीब फरमा देते हैं, खा उस पर जादू का असर ही क्यों ना हो। इसी तरह जो शख्स हर नमाज के बाद 7 मरतबा हुवल्लाहुर रहीम पढ़ता रहेगा उसका ईमान सलब नहीं होगा और वो शैतान के शर से महफूज रहेगा। और इसी तरह जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद किबला रुख बैठकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमानु या रहीमु पढ़ता रहेगा, फिर अल्लाह ताला से वो जो चीज भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। तो ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, इसको ज़रूर आजमाइएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाहु खैरा।